सत श्रीकाल सारे नूं लैके हाजर हाँ एक बार फिर समाजिक विज्ञान के मास्टर कैडर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ जी, जो अज का साडा विषय है जी धरती सूरज परिवार का एक अंग। इस विच असीं धरती ते सूरजी परिवार के नौ ग्रहों के बारे और कुछ सूरज बारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करांगे जो तुहानूं काफ़ी ज़्यादा कह लो ज्ञानवर्धक रहने वाली है। शुरू करते हैं जी, इस करके इस वीडियो नूं ध्यान नाल देखना और चैनल नूं सब तो पहला सबसक्राइब करो ताकि आने वाला हर एक वीडियो तुहाडे तक इस तरह पहुँचता रहे। धरती का सब तो नेड़े का तारा केड़ा है? चंद्रमा, सूरज, भूछल तारा, धूमकेतु। धरती का जो सब तो नेड़े का तारा ये सही उत्तर रहेगा जी सूरज। असं देखते हैं कि आकार के सूरज ही है जो सानू काफ़ी बड़ा और इसके कले भी स्पष्ट हो जाते कि सूरज एक की है तारा है और काफ़ी छोटे छोटे तारे ने आसमान के जो सानू रात में दिखाई देते पर सूरज ही एक अजिहा तारा है जो सानू दिने भी दिखाई देता है क्योंकि यह धरती के सब तो नेड़े है। प्रश्न नंबर दो दे विच सप्तरिशी तारा मंडल किन्ने तारों का समूह है? बहुत आसान प्रश्न है जी, 8, 7, 9 या 12 तो इस प्रश्न तो ही नाम तो स्पष्ट है, 7 तारों का समूह है सप्तरिशी तारा मंडल। प्रश्न नंबर 3 है जी, धरती तो तारे की दूरी दसने लिए किस की वरतों की जाती है? किलोमीटर की, मिलीमीटर की, प्रकाश साल की या मीलों की? तो इस सही उत्तर रहेगा जी प्रकाश साल की वरतों की जाती है धरती तो तारे की दूरी दसन के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर ने और इस दूरी को प्रकाश साल में दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 दे विच प्रकाश 1 सैकेंड में कितनी दूरी तय करता है? प्रकाश 1 सैकेंड में कितनी दूरी तय करता है? 3 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर रहेगा 3 लाख किलोमीटर जिहड़ा प्रकाश आ 1 सैकेंड दे विच दूरी तय करता है। सूरज का प्रकाश धरती ते किन्ने समय में पहुँचता है? 8 सैकेंड, 8 मिनट, 8 घंटे, 8 दिन? तो इसका सही उत्तर रहेगा जी 8 मिनट के जो सूरज का प्रकाश है धरती उपर पहुँचता है। प्रश्न नंबर 6 जी, सूरज धरती तो कितना दूर है? 1500 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर है जी 15 करोड़ किलोमीटर जो सूरज है धरती तो दूर है। प्रश्न नंबर 7 के सूरजी परिवार में कितने ग्रह हैं? बहुत आसान प्रश्न है, 9, 7, 8 या 10? तो सही उत्तर रहेगा जी 9 जो सूरजी परिवार के ग्रह ने वह 9 ग्रह ने। सूरजी परिवार का सब तो वड्डा ग्रह केड़ा है? शनि, यूरेनस, नैपचून या बृहस्पति? तो इस सही उत्तर है जी बृहस्पति है जिहड़ा सूरजी परिवार का बृहस्पति है, बृहस्पत सूरजी परिवार का सब तो वड्डा ग्रह है। प्रश्न नंबर 9 के सूरजी परिवार का सब तो छोटा ग्रह केड़ा है? धरती, प्लूटो, शनि, बुध? तो इस सही उत्तर रहेगा जी प्लूटो है जो सूरजी परिवार का सब तो छोटा ग्रह है। सूरजी परिवार आकार धरती का की स्थान है? यानी कि आकार के जिद एक बड़ा असी छोटा पढ़ लिया और धरती का उस स्थान है इस क्रम के चौथा है, पंजवा है, छेवा है, सत्तवा है? तो इस आएगा सही उत्तर पंजवा स्थान है धरती का आकार के सूरजी परिवार के। सूर्य के सब तो नेड़े का ग्रह केड़ा है? शुक्र, बुध, शुक्र, धरती या प्लूटो? तो सब तो नेड़े का ग्रह की है बुध है सूरजी परिवार के। सूरज का सब तो नेड़े का ग्रह केड़ा है? बुध। सूरज का सब तो दूर ग्रह केड़ा है? बुध, शुक्र, शनि या प्लूटो? तो इस सही उत्तर रहेगा जी प्लूटो है जिहड़ा सूरज का सब तो दूर का ग्रह है। सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा करने लई किस दिशा में घूमते हैं? उत्तर तो दक्षण, पूर्व तो पछम, पछम तो पूर्व या दक्षण तो पछम? तो इस सही उत्तर रहेगा जी सारे जिहड़े ग्रह है सूरज की परिक्रमा पछम तो पूर्व दिशा वल करते हैं। धरती नूं सूरज वाले परिक्रमा करने विच किन्ना समा लगता है? 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन या 364 दिन? तो इस सही उत्तर रहेगा 365 सही 1/4 दिन। ठीक है जी, असं जानते हैं कि एक लीप का साल आता है 4 साल बाद, तो इस जो 1/4 एड हो के उस फिर लीप का साल मनिया जाता, 1 दिन पूरा हो जाता। ठीक है जी, तो 365 सही 1/4 दिन पढ़ना है इसमें। प्रश्न नंबर 15 दे विच इह धारणा किस विज्ञानी ने पेश की कि सूरज केंद्र है ते धरती अते होर सारे ग्रह इस दुआले घूमते हैं? कोपरनिक, गैलीलियो, उपरोक्त दोनों, इन्हां दोनों विज्ञानी ने धारणा पेश की थी कि सूरज केंद्र है क्योंकि उस तो पहला की मनिया जाता सी बहुत सारे विज्ञानियों द्वारा यह मनिया जाता सी कि धरती नूं केंद्र मनिया जाता सी और यह मनिया जाता सी सारे ग्रह धरती की परिक्रमा करते हैं, बट इन्होंने इसका खंडन किया और इन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, उसने उन्होंने दसिया कि सूरज नूं केंद्र है और सारे जिहड़े ग्रह हैं धरती उत्ते होर ग्रह भी उसके दुआले घूमते हैं। इन्हां दे नां सन कोपरनिकस अते गैलीलियो। प्रश्न नंबर 16 दे विच है जी, सूरज मंडल में किन्ने उपग्रह हैं? 64, 63, 65 या 66? तो इस सही उत्तर रहेगा जी 63, यानी कि 63 जिहड़े उपग्रह सूरज मंडल दे विच हन। किहड़े ग्रह का कोई उपग्रह
नहीं है। बुध शुक्र उपग्रह दोनों या धरती कोई ये उपग्रह दोनों बुध ते शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 18 दे विच है, सब तो वध उपग्रह किस ग्रह के हैं? धरती के, शनि के, यूरेनस के, मंगल के? इस दे विच सही उत्तर रहेगा जी शनि के, सब तो वध उपग्रह ने बी, सब तो वध जिहड़े शनि के उपग्रह हैं। ठीक है जी। धरती के किन्ने उपग्रह हैं? धरती के दो, तीन या एक? और धरती का सिर्फ एक ही उपग्रह है जी, इस सामने याद रखना है धरती का एक उपग्रह है। प्रश्न नंबर 20 दे विच है, धरती के उपग्रह का नाम की है? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ? ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੋਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।